के इन्वेस्ट रोजगार के मुंह की बदबू अल्लाह से भी ज्यादा खुशबूदार है। और रोजा वो इबादत है। ऐ रोजेदार मुसलमान भाइयों, आपको आपके प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी सुना रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से रोजा वो इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है रोजा मेरे लिए है और वही इसका अजर सवाब और बदला देता है। मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, आपको खुश हो जाना चाहिए, आपको मुतमईन रहना चाहिए। हमें इस इबादत की अदायगी की तौफीक दे रखी है तो हमें कहा है उन्हें हुक्म होगा जन्नत के अंदर बाबू रैयान से रैयान नामी एक गेट से जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। इसी को अल्लाह के रसूल ने आकर अल्लाह आप सब लोगों से कबूल करता है। अगर आप
अल्लाह से डरेंगे, अगर आप अपने रब के दरबार को मानेंगे तो आपका फायदा होगा। सेवा करने की अल्लाह ताला ने रोजे को फर्ज किया है ताकि आप परहेजगार बने। मेरे भाइयों, रोजा रोजगार सब का बांधा पैदा कर देता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे रोजेदारों को सबर नहीं है। अपने
कह रहा हूँ, ना हम बदनाम होंगे, ना अपने इस्लाम को बदनाम होने देंगे, ना अपने मुल्क को बदनाम होने देंगे। और सब अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरा, अल्लाह की कसम, सब लोग चुप हो जाओ। इफ्तार का इतना अच्छा इंतजाम पूरे अहसा में कहीं नहीं है मेरे भाई। मैं तो डेली उधर चलता रहता हूँ ना, इतना अच्छा इंतजाम पूरे अहसा में कहीं नहीं है। इज्जत के साथ अल्लाह कबूल करे आप लोग। फिर आखिरी बात मेरे भाइयों साथियों, एक बार और सुन लो, ये खाना पानी है रोजेदारों के लिए। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए इफ्तार है? रोजेदार के। जो आदमी रोजा नहीं रखता है उसके लिए ये खाना पेट में आग का, जहन्नम की आग का अंगारा बनता है। पेट में जहन्नम की आग का अंगारा भरना है, क्योंकि ये इफ्तार साइन है, रोजा इफ्तार कराने का है। बात नहीं सही है कि नहीं? ये किस लिए लगा है? हमेशा बना रहता है, ये किस लिए लगा है? रोजेदार के लिए ना। आप ही अच्छे में वाला सुबह खास साइन ही लाए जूझो लगा ही साइन ये रोजेदार है। बात नहीं, अब जब ये रोजेदार के लिए बगैर रोजे वाला आता खाता तो उसके लिए खाना जायज होगा? नहीं जायज। ज्यादा जो रोजा ना रहे वो रोजा रखे, और जो रोजा ना रखे इतना बड़ा बदमाश हो, इतना बड़ा मनहूस हो, किस रमजान के महीने में जो रब से करीब नहीं हो पाता, तो जाए सरदार से दोस्ती करो। यहां मत आए अपने, क्योंकि वो कियामत के दिन जवाब देगा। अल्लाह जानता कौन रोजा है जो तुम्हें बनाए। तो ये रमजान का महीना है, वक्त को गनीमत समझो, नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, तौबा इस्तिगफार करो, और रब से दुआ करो, मुसलमानों को उम्मत करो, वक्त के मस्जिद में जाओ। ये रमजान इफ्तार का वक्त मेरे भाइयों, और जाए इफ्तार को कबूल होती है, ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। और मगरिब की नमाज के बाद मेरे भाइयों थोड़ा सा दर्श होगा, अगर दिल चाहेगा तो बैठ आना, जबरदस्ती कोई नहीं। और मेरे पास उर्दू बंगला में फ्री किताब है, इसको लेना होगा ले लेगा। वजह अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई हो जिससे आप लोगों को जायज तकलीफ पहुंचे तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये कह के जा रहा हूँ अदब व एहतराम, ये झील झपट अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज भाई अल्हम्दुलिल्लाह काफी है, अल्लाह ताला ने हमें कमाल और सब सिखाया। मैं आपसे पूछता हूँ, यह अल्लाह का अजमत क्यों काफी होता है? पच्चीन झपट का पच्चीन ये तो आज आदमी के लिए काफी है, पांच आदमी के लिए काफी है ना? तब यह छीन झपट को भाई कोई ना कहे छीन हो छप तो अच्छी चीज है अच्छी चीज भाई, बुरी बात है। अब अल्हम्दुलिल्लाह क्या चाहिए थोड़ा सबर करोगे तो बहुत अच्छा है। तो मेरे भाइयों इसका ख्याल रखो, छीन झपट खाने में करना, पेट में अंगा में भरना, खाने में छीन झपट नहीं करना चाहिए। और मैंने ऐलान किया तो इसके लिए है खाना, किसके लिए किसके लिए जो रोजा नहीं रखता आगे खाना खाता अपने पेट में जहन्नम की आग का अंगारा भरता, क्योंकि ये रोजा हमेशा तो नहीं लगा रहता, लगा रहता है खाना। ये किसके लिए है? इफ्तार है, इफ्तार पार्टी है, जो भी रोजा रखे शौक से आगे सबका खिलाफ नहीं है, लेकिन एक खास है रोजेदार। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है कि आप रोजे से हो कि नहीं। जो रोजा नहीं रखता उसके लिए खाना जाए सही, और जो रोजा नहीं रखता उसे तो आना भी नहीं चाहिए। ये तो आपको जानते हैं इसके लिए करा रोजेदार के लिए ना, सही करो कि मेरा कर। हाँ भाई आप बोलिए इसके लिए, हाँ किसके लिए है? हाँ किसके लिए है? मैं रोजा ना रहूं आज खाना खाऊं जान सका, और रोजा क्यों ना रखा? क्यों ना रोजा रखा? रखो, अगर भूख है अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह मदद करेगा।
अल्लाह मदद किया इनको तब ये रोजा रख पाए हैं, अपनी ताकत से कोई रोजा नहीं रख पाएगा, अपनी ताकत से कोई नमाज नहीं पढ़ पाएगा। तो मेरे भाइयों यहाँ आओ तो जो मिल जाए सबर सुकून से काम में हर जगह कहता हूँ कि यार हम इंडियन, हम पाकिस्तानी, हम बांग्लादेशी, हम जो अपनी इज्जत है छीन झपट क्यों करें। वो बेचारा कोई कार्टून में पानी लाओ, पानी लाओ, पानी हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैलेंज है कि इतना खा के नहीं उठ पाओगे, पेट फट जाएगा, इतना है काफी। हम ये लोग इज्जत के साथ खिलाते हैं, हम लोग इज्जत के साथ, ऐसी बात है कि नहीं, और जो बढ़ जाए उठा लेंगे, लेकिन ये नहीं कि पहले से स्टार्ट करें हम, है ना। हाँ, तो हर अल्लाह की ये इफ्तार का वक्त है मेरे मुसलमानों, मेरी बात सब रहे थे लेकिन परफेक्ट रहे, इफ्तार का वक्त सब लोग अल्लाह ताला से हाथ खा रहे हैं अपने अपने मुसलमान भाई, बिस्मिल्लाह करके